हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे द बिग बुल मूवी की। ओवर लेंथ 2 घंटे 32 मिनट की और कहानी बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे, यानी कि हर्षद मेहता ने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया था ये सब कुछ बताती है ये मूवी। अब वो हीरो थे या विलन थे ये आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि आपने इससे पहले स्कैम 1992 देख रखी है। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि स्टार्ट होता है 1993 से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा 1987 में, जहाँ पर हमें नज़र आते हेमंत शाह, जो कि एक सेलेराइट पर्सन है। ये अपनी मॉम और अपने छोटे भाई वीरेन के साथ रहते हैं। खैर इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा होता है, यानी कि हेमंत के जो सपने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन 14 सालों में इन्होंने 6 अलग अलग जॉब्स बदली है, लेकिन लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। खैर दूसरी तरफ इनका छोटा भाई मार्केट से 1.5 लाख रुपये उधार लेता है और स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता है, लेकिन वो पैसे वहाँ पर डूब जाते हैं। और इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे हेमंत एक मिडिल क्लास से एक स्टॉक ब्रोकर बनता है, फिर उसके बाद कैसे इंडिया का मिलियनर बिलियनर जो बोलना चाहे वो बनता है, यानी कि थ्रू आउट दी जर्नी आपको ये मूवी में देखने को मिलेगी। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो देखिए यहाँ पर स्कैम 1992 का तो जिक्र होगा, ये तो आप लोग इसको तो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही चीज़ एक ही टॉपिक पर बनी थी। और स्कैम 1992 को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि जब से द बिग बुल का ट्रेलर आया तब से ऑडियंस इन दोनों का कंपैरिजन करने लगी है। लेकिन मैं आपको चीज़ बता दूं कि देखो जो नरेशन है वो दोनों ही का अलग अलग तरह से किया गया, और एक तरफ वेब सीरीज है जहाँ पर आपको हर एक एपिसोड अच्छे खासे लेंथी देखने को मिले थे, जिस वजह से चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, और दूसरी तरफ ये एक मूवी है जो कि 2.5 घंटे की, तो 2.5 घंटे में वो लोग सारी चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग यहीं पर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसलिए बात करेंगे कैरेक्टर्स की, क्योंकि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो हेमंत शाह है उसके और उसके फैमिली के बीच के रिलेशन को और उसके वाइफ के बीच के रिलेशन को यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस वजह से हम लोग जब कोई इमोशनल सीन होता तो हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि वेब सीरीज़ और मूवीज़ में यही तो फ़र्क होता है यार, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इस मूवी में कोशिश की गई है कि हर्षद मेहता की स्टोरी को किस तरह से बॉलीवुड का तड़का लगा के पेश किया जाए, वो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को इतना खास नहीं लग सकता, और मुझे ये रिसेंट अटैम्प्ट लगा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो यार 1980s और 90s का जो एरा था उसको रिक्रिएट करना था, तो मोस्टली यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया गया, और एक सीन है जहाँ पर अभिषेक बच्चन बालकनी में खड़े रहते, तो बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है और बिल्डिंगें बता रही, तो वहाँ पर आपको फील होता है कि मतलब इतना गंदा VFX, लिटरली आप फील करते कि वो जो जितनी भी गाड़ियाँ थी वो टॉय कार लगती है, मतलब कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं लगती। तो मैं मतलब ये तो VFX के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह गया। इसके अलावा हर एक सीन को बहुत अच्छी तरह से शूट किया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि अभिषेक बच्चन एज हेमंत शाह थ्रू आउट द मूवी में जो वो फेक लाफ्टर कर रहे थे ना, वो ऑडियंस ईजिली पकड़ सकती है यार, क्योंकि अभिषेक बच्चन इज़ ए ग्रेट एक्टर, उनको अच्छी मूवी मिले अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वो बता सकते कि उनके अंदर टैलेंट कितना है, लेकिन यहाँ पर जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो वो बात नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी भी प्रतीक गांधी हमारे माइंड में है, तो इस हिसाब से हम अभिषेक बच्चन को उस पर्टिकुलर रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कई कई जगह पे ऐसा फील होता है कि यार वो बंदा थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा, तो यार मेरे हिसाब से वहाँ पर थोड़ा सा कोशिश कर सकते थे, लेकिन अगेन एक्टिंग करना कोई खाने का काम है नहीं यार, बोलना बहुत आसान होता है लेकिन वहाँ पर करना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी अभिषेक बच्चन वॉज ट्राइंग हार्ड फ्रॉम हिज साइड, बट ठीक है यार मूवी के BGM अच्छा लगा, मगर कैरी मिनाटी के गाने को क्यों डाला ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मतलब फालतू में घुसड़ने का, मतलब सीन कुछ चल रहा है और उसमें कैरी मिनाटी का एक कहानी है। अरे यार समझ सकता हूँ कि कैरी मिनाटी जो आजकल की जो यंग ऑडियंस है जो YouTube देखते हैं आजकल के यंगस्टर, वो कैरी मिनाटी को अपना आइडल मानते हैं। कैरी मिनाटी का यलगार गाना और इस मूवी में मुझे कुछ भी कनेक्शन नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती का घुसड़ा गया है, वो कहीं से भी मतलब कहीं नहीं था। उसके अलावा अगर एक सॉन्ग की बात करो तो सॉन्ग के भी लिरिक्स मुझे कुछ खास नहीं लगे, और वो सिर्फ और सिर्फ मूवी की लेंथ बढ़ा रहा था, और वहाँ पर मूवी की जो पेस थी वो आपको फील होती कि अरे लोग साले पका रहे, और जब पकाने की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बच्चन और निकिता दत्त इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा पकाऊफुल थी इस पूरी मूवी में, जो मतलब मैं क्या ही कहूँ यार। लेकिन एंड में जो सीन्स है वहाँ पर थोड़ा बहुत यू कैन फील द इमोशन बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता, क्योंकि वो आपके माइंड में आते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं यार वो बंदा सही था, मतलब एक कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें जलने लगती है, तो इसके बाद थोड़ा बहुत इमोशनल चीज़ें आती है आपके माइंड में।
और हाँ, हम लोग डायलॉग्स को कैसा भूल सकते हैं। स्कैम 1992 के डायलॉग्स इतने ज़्यादा हिट हुए थे, वो आज भी लोग यूज़ करते हैं स्टेटस में। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करेंगे तो कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन एक डायलॉग जो मुझे अभी तक समझ में आया कि हमारे पास भगवान से भी ज़्यादा पैसे। यार किस भगवान के पास पैसे होते हैं यार, मतलब भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है यार। ये डायलॉग मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जितने भी डायलॉग्स थे वो मुझे ओके लगे। लेकिन ऐसा कोई भी डायलॉग है नहीं जिसको हम लोग स्टेटस के लिए यूज़ कर सके, मतलब समझते ना, वो एटीट्यूड के लिए, वो उस टाइप के डायलॉग्स नहीं लगे। लेकिन कहना पड़ेगा डायलॉग्स वॉज ओके। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, कि ढाई घंटे की होने के बावजूद भी मूवी की जो लेंथ है वो आपको फील होती है। उसके अलावा मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है वो इतना ज़्यादा फास्ट है नहीं, वहाँ पर चीज़ों को स्लोली स्लोली बताया, लेकिन वहाँ पर भी चीज़ों को अच्छी तरह से एडिट किया जा सकता था। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ मुझे अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मचा दिया, मतलब क्योंकि मूवी को ख़त्म भी करना था तो वो जो रश किया, तो वो रश में थोड़ा जो एक मज़ा था ना, वो जो एक चार्म है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रहा था। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार अभिषेक बच्चन ने एक डिसेंट काम किया, मतलब उन्होंने कोशिश बहुत की कि जैसा उन्होंने गुरु में एक परफॉर्मेंस दिया था, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था, उसी लेवल का परफॉर्मेंस वो यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने अच्छा ट्राई भी किया, मगर वो उस लेवल का नहीं लगा जो हम लोग इमेजिनेशन बना के रखी है। उसके अलावा शुभम शाह वॉज आई थिंक नॉट दी परफेक्ट कास्ट फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, हालांकि उन्होंने भी कोशिश की है मगर कहीं से भी वो सूटेबल नहीं लग रहे थे। एंड इलियाना डिक्रूज अगेन रॉन्ग कास्टिंग, बैड कास्टिंग यार, बहुत ही, मतलब उनका परफॉर्मेंस मुझे एज रिपोर्टर इतना अपीलिंग नहीं लगा। यार ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ ऑलरेडी आ चुकी थी, इस हिसाब से वो एक कंपैरिजन तो आएगा ही आएगा, उसको तो हम लोग नकार नहीं सकते। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मुझे इलियाना डिक्रूज का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगेन क्या कह सकते, सबका अपना अपना चॉइस होता है। उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, चाहे वो सौरभ शुक्ला हो, राम कपूर हो, उनका काम मुझे अच्छा ही लगा। नॉट वेरी बेस्ट बट दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। एडिटिंग के लिए जितने ही बोलूँ कि यार 10 से 15 मिनट आराम से एडिट किया जा सकता था। डायरेक्शन भी मुझे ओके लगा, इम्प्रेसिव लगा, एक डिसेंट अटेम्प्ट लगा मुझे हर्षद मेहता की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए। और जो एंड में उन लोगों ने चीज़ें बताई क्लाइमेक्स में, आई वॉज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मे भी उनके साथ ऐसा हुआ भी होगा, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। काफ़ी ब्रेव अटेम्प्ट भी लगा, लेकिन उन लोगों ने भी यहाँ पर 100% ऐसा बताया नहीं कि यही सारी चीज़ उनके साथ रियल लाइफ में हुई है। पैरेंटल गाइडेंस के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि यस, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट सीन नहीं है, ना ही आपको बैड वर्ड सुनने को मिलेंगे। मैं मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। मेरे हिसाब से एक वॉचेबल मूवी है। अगर आपको स्कैम 1992 बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी तो पॉसिबल है, चांसेस है कि ये मूवी आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगे। लेकिन अगर आप लोग अभिषेक बच्चन के बहुत बड़े फैन हो, कहना पड़ेगा कि अभिषेक बच्चन इस तरह के रोल्स के लिए बने, वो बहुत ही अच्छी तरह से पुल आउट करते हैं चीज़ों को। उनकी इस कोशिश के लिए इस पर्टिकुलर मूवी को एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आई होप आपको ये एक बड़ा सा बोरिंग सा पकाओ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन